तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास दो फंक्शन है, एक्स और लॉग टू एक्स है। एक्स आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, लॉग टू एक्स लॉगरिथम फंक्शन है। तो लॉगरिथम फंक्शन चूंकि सीक्वेंस में पहले आता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे, और एल्जेब्रिक बाद में आता है, इसे सेकेंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। ठीक है, आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला बाई पार्ट का, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट दैट मीन्स लॉग ऑफ टू एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, मतलब लॉग ऑफ टू एक्स हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर ये फाइनल डी एक्स हो गया। यहाँ पे दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ टू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एंड माइनस इसका आ जाएगा वन बाई टू एक्स, और लॉग टू एक्स चेन रूल लगाना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट करने के, लॉग का डिफ्रेंशिएशन देन टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन, और टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टू आएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स एक्स से कट गया, बचा क्या आपके पास, फाइनली एक्स बाई टू यहाँ पे बचा, तो वन बाई टू बाहर कर लेते हैं और सिर्फ अंदर एक्स बचा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, मैं मिटा के लिख दे रहे हैं, तो आपका इंटीग्रल आपका एक्स डी एक्स सिर्फ बचा, और एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और ये वन बाई टू पहले से था। ठीक है, प्लस एक इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट फाइनली सी हो गया। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ टू एक्स, और फाइनल टू टू जा फोर हम लोग कर लेंगे इसे, है ना, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।